हाय, मैं हूँ जोया खान और आप मुझे देख रहे हैं भोजपुरी बातें पे। जी एक्चुअली मैं तो फिल्म में एक स्पेशल अपीयरेंस ही कर रही हूँ, एक स्पेशल सॉन्ग के लिए आई हूँ। लेकिन ये फिल्म की स्क्रिप्ट मैंने पहले भी सुनी थी, इसके डायरेक्टर धीरज जी हैं, उन्होंने ये स्क्रिप्ट मुझे एक बार सुनाई थी। तो बहुत ही अलग स्क्रिप्ट है, बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है और बहुत अच्छे से शूट करेंगे, मुझे पूरी गारंटी है। और सेट पे आई हूँ तो माहौल देख के भी लग रहा है कि बहुत अच्छे से शूट कर रहे हैं, तो आई एम श्योर बहुत अच्छी फिल्म बनने वाली है, आप लोगों के बीच एक बहुत अच्छी फिल्म बहुत जल्द आएगी। जी मेरा किरदार वही, मैं एक स्पेशल सॉन्ग के लिए आई हूँ इस फिल्म में, तो एक स्पेशल एंट्री कर रही हूँ बस। जी ये फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, को प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक्चुअली दो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक तो जो फिल्म के हीरो हैं वही प्रोड्यूसर हैं और अनिल काबरा जी इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। मैंने पहले भी उनकी फिल्म में काम किया है और हमेशा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है उनके साथ काम करने का। बहुत ही लैविश फिल्म बना रहे हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम मुंबई में फ्यूचर स्टूडियो में हम लोग शूटिंग कर रहे हैं और बहुत ही एक्सपेंसिव लोकेशन है, तो यहाँ पे भी पिछले 8-10 दिन से उनकी शूटिंग चल रही है, आगे भी 2-3 दिन का काम बाकी है। तो बहुत ही अच्छे और भव्य तरीके से इस फिल्म को बनाया जा रहा है और जितनी मेहनत कर रहे हैं वो दिखेगा स्क्रीन पर, बहुत खूबसूरत लगेगी फिल्म देखने में। मैडम आपने जैसा कहा कि मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा, तो स्क्रिप्ट में क्या आप अच्छा लगे, मतलब हमारे भोजपुरी समाज में क्या संदेश जाएगा और क्या खास नजर आया आपको? बहुत ही अच्छी और एंटरटेनिंग फिल्म है और हर फिल्म के बारे में हमारा मानना यही होता है, हम जो भी फिल्म पढ़ते हैं या देखते हैं हमारा उसमें यही देखना होता है कि एंटरटेनमेंट के साथ साथ ऑडियंस के लिए कोई अच्छा मैसेज जा रहा है कि नहीं। और इस फिल्म में भी बिल्कुल वैसे ही ट्विस्ट्स एंड टर्न्स है, बहुत एंटरटेनिंग ड्रामा है और लेकिन फिल्म जब एंड होती है तो एक बहुत ही अच्छे मैसेज के साथ ऑडियंस थिएटर से बाहर निकलेंगे या फिल्म देखना ख़त्म करेंगे अपने फ़ोन्स पर। तो बहुत अच्छी कहानी है और रेगुलर नहीं है, बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है और ऑडियंस को बहुत पसंद आएगा। मैडम और बात कीजिए आपकी आने वाली फिल्म जो इस टाइम के किन फिल्मों में जी, अभी एक्चुअली हमारी फिल्म बहुत सारी रेडी है, मुकद्दर का सिकंदर रिलीज़ होने पर है और हम शूट कर रहे हैं निरहुआ द लीडर की, रोमियो राजा हमारी फिल्म शूट होके कंप्लीट है, वो भी आएगी अगले साल। अगले साल होली दिवाली सारी बड़ी बड़ी डेट्स ऑलरेडी ब्लॉक्ड हो गई है और उनमें से 3 फिल्मों का तो निर्माण पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है और वो भी बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, एक हम लोग एजुकेशन माफिया के ऊपर फिल्म कर रहे हैं रोमियो राजा, कैसे लोग अपने प्राइवेट स्कूल्स चलाने के लिए सरकारी स्कूल के बच्चों को क्या क्या तकलीफ़ें झेलनी पड़ती है उसके ऊपर कहानी है। वो भी एक नॉर्मल लीग से हट के फिल्म है, बहुत अच्छी लगेगी लोगों को, आई एम वेरी श्योर। बहुत मेहनत की है उस फिल्म में मैंने और दिनेश जी ने और फिर निरहुआ द लीडर बन के रेडी है ये। वो बहुत ही हद तक ऐसी कहानी है जो सोसाइटी में एक नॉर्मल लड़का नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर रहा है और उससे कोई ऐसा काम हो जाता है जिससे वो पब्लिक की नज़र में आ जाता है, पॉलिटिशियंस की नज़र में आ जाता है, तो वो कैसे अपने आप को स्टैंड कराता है इस सोसाइटी में और कैसे समाज में एक अच्छा नेता बन के समाज को सुधारने की कोशिश करता है, वो फिल्म है। तो ऐसी कई सारी फिल्में लाइंड अप है। फिर हम अगले साल शूट करने जा रहे हैं निरहुआ रिक्शा वाला 3, उसके बाद हम करने जा रहे हैं निरहुआ हिंदुस्तानी 4, तो बहुत सारी बड़ी बड़ी पिक्चर है 2020 में। मैं यही कहूँगी जैसा कि मैंने कहा कि ये बहुत ही एंटरटेनिंग स्क्रिप्ट है और आई एम श्योर कि इसके जितने पंचेज मैंने पढ़े हैं, जब पढ़ के ही मुझे इतनी हंसी आ रही थी और मुझे इतना अच्छा लग रहा था, तो जब ऑडियंस देखेंगे तो उनको और भी मज़ा आएगा। तो मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ जब ये फिल्म रिलीज़ हो तो आप लोग जाइएगा अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में 5 मेहरिया फिल्म देखने, क्योंकि आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे। के जी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और उनके साथ मैंने पहले भी काम किया है और हमेशा सीन को बहुत अच्छे से डेवलप कर देते हैं और उनका कॉमेडी टाइमिंग बहुत अच्छा है, तो इसमें भी बहुत अच्छा रोल उन्होंने किया है और वेरी एंटरटेनिंग लाइक ऑलवेज। थैंक यू।
press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.